बनी हाशिम एक मगरूर और मुतकब्बिर कौम है। मुझे अपने खुतबों में रसूल खुदा का नाम गरामी लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनका नाम सुनकर उनके खानदान वाले सीना फुलाएं, अकड़े, फख्र मुबाहात करे। खुदा ने उस खानदान को अबू लहब के नाम के बहाने लानत की है, जो कि सिर्फ कचरे और कूड़े की मिसाल है। इस गुरु की सजा फर्ज है और उम्मीद करता हूं कि खुदा मुझे इस अमल खैर की जजाए खैर दे इंशाअल्लाह। तुम्हें किस जुर्म में चला रहे हैं मुख्तार? बजुर्म में मोहब्बत आली। तो फिर मेरे भाई हुसैन के खून के इंतकाम का क्या होगा? मुख्तार चल रहा है ताकि मजीद प्यासा हो। मुख्तार चल रहा है ताकि मजीद भड़के। मुख्तार जल रहा है ताकि पानी हो जाए। आओ दोस्त, आज रात हम बानो दुल्हन का मेहमान हैं। वो तो नहीं, मगर ये वीराना और शेरदिल खातून की यादों से भरा है। ए मुंतकिम कर्रार, खुशामदीद। मेरी आरजू पूरी हो गई। मुझे पता था कि तुम हज से लौटोगे। मैंने खैमा लगा दिया है ताकि तुम इसमें ठहर सको। ए, कहाँ? घोड़ा कहाँ ले जा रही हो? मैं इस सवारी के बगैर कूफा नहीं पहुंच सकता हूँ। जमरात को यूं कंकर मारे हैं तुमने मुख्तार? तुम इतने अरसे खाना काबा में क्या करते रहे? तुम्हारे इश्क के कदम अभी कमजोर हैं। अगर इश्क की सवारी पर सवार हो जाते तो तुम चश्मे जदन में कूफा में होते। तुम खुद शैतान हो बदबख्त। खुद शैतान हो। मेरे दोस्त, हमें एक दूसरे से जुदा होना होगा। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मुझे इस कदर रुकना होगा कि खुदा मुझ पर रहम फरमाए। जाओ। मुझे इस तन्हाई की जरूरत है, मेरी मदद करो। जाओ,
मैं 3 साल खाने खुदा में था, मगर अब तक शैतान के जंगल से आजाद नहीं हुआ। खुदा मुझे माफ करे, उसने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। जाओ। समझते क्यों नहीं हैवान, तुमने अब तक एक शैतान को अपनी पुष्प पर सवारी दी है। रुके हुए क्यों हो, जाओ। मुख्तार, खूने हुसैन का इंतकाम लेने वाले का दिल भरा हुआ होना चाहिए। जब तक तुम्हारे कदम जमीन में गड़े हुए हैं, तुम रकाबे हुसैन में शहसवारी नहीं कर सकते। वहब मुख्तार, वहब नसरानी के साथ हमसफर बन जाओ ताकि इश्क करना सीख जाओ। देख रही हो मेरी दुल्हन, ये कद कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया है। इस जंगी लिबास में तो मैं तुम्हारी मजीद आशिक हो गई हूँ। इसे मैदान में देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें दीवाना बना देगा। आज वहाब मैदान में अपनी नई दुल्हन के सामने अपनी अदाएं दिखाएगा। वो मैदान में अपनी माँ को लोरियां सुनाएगा और रक्स से तलवार दिखाएगा। उसकी तलवार का रक्स देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे शक नहीं कि मेरा जवान बेटा आज जमीनों आसमान वालों, जिन्नों इंसों मलक सबको मबहूत कर देगा। ज्यादा तारीफ मत करो माँ, मुझे डर है हक अदा ना कर सकूं। तुम वाकई शेर हो मेरे बेटे, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। क्या तुम्हें आता है वहाँ? क्या आता है? तुम्हें जंग करनी आती है? इतनी अच्छी नहीं जितनी माँ को तवक्को है। तलवार और घोड़ा हर अरब की आबरू है, मैं भी एक अरब हूँ। कोशिश करूंगा कि इज्जत और आबरू का भरम रख सकूं। दुश्मन हजारों की तादाद में और हम 100 से भी कम हैं। ऐसे मैदानों में तो माहिर लड़ाकू भी नाबलद लगने लगते हैं। इस जंग में सिर्फ इश्क का सहारा है। अगर इश्क हो तो फिर हाथ और तलवार अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी के नवासे की राह में लाकर खड़ा कर दिया। हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है, तुम जाहरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे, तुम आलम मलकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचकाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, आप तो ऐसे बात कर रही है कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हूँ। आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है। वहाँ कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घरबार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाब है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की
हमेशा रहने वाली खुशनसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर, आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तुम मैदान जाओ। शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने दो टोक बात कर दी है, अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ वहाँ, मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आंखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मान जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूं? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरोज़े क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होगी और तुम मेरे शौहर। सुभानअल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दोज़खी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोज़ख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। खूब वाहब, तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौम बनी इसराइल से भी बदतर हो। जानते हो कि क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने नबी के फर्जंद का रास्ता रोका है। क्या हुसैन ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है या तुम में से किसी का हक छीना है? तुम में से किसी का खून उनके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो? खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार ना हुए तो कयामत तक तुम लोगों से सुलह ना हो सकेगी। सिर्फ खिफत और ख्वारी तुम्हारे हक में रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हर किस्त तुम्हें नसीब ना होंगी। ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये वाज़ो नसीहत, थक गए हम। कौन हो तुम? मैं वहाब इब्न अब्दुल्ला इब्न हुबाब अल-कल्बी हूं। अपने आका और मौला हुसैन के दीदार से कबल नसरानी मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर हुसैन के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया।
फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हुसैन के दीदार के मुश्ताक कसम है चांद सूरज और सितारों के खालिक की, कसम है जमीन और मौज जन दरियाओं की, कसम है बारिश को नाजिल करने वाले की कि मैं रसूल खातिम के नवासे की राह पे अपनी जान अजीज का सौदा करने आया हूँ। जब मुसलमानों ने हुसैन की मदद नहीं की तो तू नुसरानियों से मदद मांग रहा है? जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। खुदा तेरा मुंह तोड़े मलाऊं, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। हुसैन के बातिल पर होने का सबूत यही है कि उसने तुझ जैसा नसरानी बच्चा मैदान में भेजा है। तुम्हारे पास जो औजार हैं उनके नाम क्या हैं, बच्चे? औरत के बच्चे, तुझ जैसे लादीन बंदे की वादा खिलाफी ताज्जुब खेस नहीं है? क्या ये नहीं तय पाया था कि एक पर एक की जंग होगी? अगर मर्द है तो खुद मैदान में आ। जो भी सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है। Yeah!
अरे ओ अहमको, इसके लाशे से भी डर रहे हो? ये मरा नहीं है अमीर, अभी जिंदा है। इस सांप के बच्चे को उठाओ और सूली पर चढ़ा दो, जब तक अमीर का इसके बारे में हुक्म आए। जानते हो क्या कह रहे हो? ये क्या तमाशा है शिमर? कल्बियों में से एक है जिसका नाम वहाब है। ये हुसैन का सहाबी बनने से पहले नसरानी था। अब हमको बताने के लिए बहुत अच्छी दलील है कि हुसैन और उसके असहाब मुसलमान ही नहीं थे। फजूल की बकवास मत करो शिमर, इन फजूलियात के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर नसरानियों से जंग हो गई तो लश्कर बिखर जाएगा। तो मैं एक पर एक की जंग के लिए राजी नहीं होना चाहिए था उमर। हमारे लोग मौत से डरते हैं और हुसैन के असहाब मौत के इश्तियाक में लड़ रहे हैं। उनमें से एक एक शख्स हमारे लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों पर भारी है। मिसाल के तौर पर ये नसरानी बच्चा हमारे कितने नामवर लड़ाकुओं को खत्म कर दिया इसने। इसका सर तन से जुदा करके इसकी माँ के लिए भेज दो। और हाँ शिमर, हुसैन के साथियों को हमारे सिपाहियों के सामने तकरीर करने की मोहलत मत दो। इस ग्रोह की जबान इनके तलवारों से कुछ कम नहीं है। जी अमीर। खुदा की राह में दी हुई चीज वापस ले।